आज ना संडे है और आज मेरा ये प्लान था भी मैं आज उठूंगा ही नहीं, मतलब 10 बता रहे हैं। और साथ ही साथ आज हमारे ब्रेकफास्ट में तैयारी हो रही है पकौड़ों की, एक मशरूम के और दूसरा पनीर के। ऐसा सिर्फ संडे को ही पॉसिबल है, इतने बढ़िया और हैवी ब्रेकफास्ट खाने के बावजूद दोबारा से भूख लगाई। और एक बार लुक देखो यार, तुम लोग मेरे को तो बिल्कुल चिकन जैसी लुक दिख रही है। आज ना संडे है और आज मेरा ये प्लान था भी मैं आज उठूंगा ही नहीं, मतलब 10-11 बजे से पहले रजाई से निकलूंगा ही नहीं, कंबल से निकलूंगा ही नहीं। रजाई में कहाँ सोया था, मैं तो कंबल में सोया था। बट हुआ क्या, आज सुबह 6 बजे के करीब दीदी मेरे रूम में आ गए अपना प्रोजेक्ट बनाने के लिए। परसों चौथ उन्होंने कोई प्रोजेक्ट सबमिट करना है तो वही बनाने के लिए वो आज रूम में आ गए, क्योंकि प्रिंटर मेरे रूम में है। भाई सुबह सुबह इतना गुस्सा चढ़ा, एक तो सारी लाइटें ऑन कर दी, ऊपर से लश्कर, फिर कह रही 6 बजे 6 बजे उठ जाए कर। मैं कहा जब तक ये छुट्टी होती है तब तक तो उठती नहीं है। बट एनी वेज, सो हे गाइस, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, वेलकम है आपका एक बार फिर से मेरी दुनिया में। होप यू ऑल आर डूइंग कल से बहुत 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 ही ज्यादा बढ़िया। मैं भाई सही बात बताऊँ, ना घर पे कलेश हो जाता, मैं ना सारा गुस्सा पी लिया सुबह सुबह कलेश हो जाता कि यार चल ठीक है तो मेरे को कल रात को बता दे, मैं प्रिंटर तेरे कमरे में शिफ्ट कर दूँ, मैं लैपटॉप तेरे कमरे में शिफ्ट कर दूँ। बट नहीं यार, उधर को तो परेशान करना ही है। बट चलो कोई ना, अपना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट नहीं होते। अभी क्या करते हैं, अभी चल के गीज़र ऑन करते हैं क्योंकि गर्म पानी से नहाना है, फिर नहाते हैं धोते हैं फिर इस वीडियो को आराम से कंटिन्यू करते हैं। भाई अभी ना थोड़ी देर पहले हमारे दूध वाले भैया दूध लेके आए और साथ ही साथ हमने लस्सी भी मंगवाई हुई थी उनसे। भाई इतनी लस्सी और इतनी लस्सी में से इतना मक्खन, मतलब मेरे को नहीं पता है मक्खन है मलाई है, बट मम्मा बता रहे हैं मक्खन है। बताओ ये परांठों के साथ भी खा सकते हैं, मम्मा बता रहे हैं। और साथ ही साथ आज हमारे ब्रेकफास्ट में तैयारी हो रही है पकौड़ों की, एक मशरूम के और दूसरा पनीर के। मशरूम थोड़ा अजीब नहीं लग रहा, बट चलो कोई ना चलता है। अभी तो ये छन गई, इसको पक कहाँ पे रखें, इसको कहाँ पे रखें, कहाँ यहीं पे रख देता हूँ। ये प्रोजेक्ट भी ना वैसे काफी दिनों से पेंडिंग था। हुआ क्या, 2 दिनों से ना घड़ी रुक रखी है। अच्छा मम्मी पापा ये मानना है कि घर पे रुकी हुई घड़ी होनी नहीं चाहिए, तो इसलिए आज ये भी बढ़िया किया, सेल भी चेंज कर दिया इसका, और वो भी ब्रेकफास्ट से पहले। जितना काम ब्रेकफास्ट से पहले हो जाए ना उतना बढ़िया, ब्रेकफास्ट के बाद तो सोना ही होता है, उससे अलावा कुछ नहीं होता। और आज तो वैसे भी खतरनाक वाली लस्सी आ रखी है, जेड़ी सुस्ती भी 2 गुना चढ़ाती है। और आज इस ट्राइपॉड को भी हम इसकी लिमिटेशन पे ले गए, जितना इसका फुल उपयोग कर सकते हैं ना अपन लोग, जितनी फुल हाइट मैक्सिमम हाइट उतने पे ले गए। Ask for much. All I want is sleeping on a Sunday. The morning can put the day on hold. And if we want a sunbreak, we know we can pull it from the window pane. Can save our energy for harder days. Bye. इट वॉज सच एन अमेजिंग ब्रेकफास्ट ना, सच एन अमेजिंग कहने की हद नहीं, सही बता रहा हूँ, मजा आ गया ब्रेकफास्ट करके यार। एक तो लस्सी वो इतनी मस्त, ऊपर से वो लस्सी भी नमकीन थी, और आज पहली बार मेरे को नमकीन लस्सी का नशा हो रहा है। साथ साथ मशरूम के इतने बढ़िया पकौड़े, उसके ऊपर से हल्के हल्के पनीर के पकौड़े, मजा आ गया, मीठी चटनी और लहसुन वाली चटनी।
सच्चा अमेजिंग एक्सपीरियंस था। खैर मैंने शायद से व्लॉग में बताया नहीं, बट दो तीन दिन पहले मैं ऐसी बोतलें लेके आया तीन, एक पिंक, एक ब्लैक, एक ग्रे, और काफ़ी बढ़िया बोतलें हैं यार, ये हल्का सा लीक करती हैं, बहुत ही मिनिमल सा, बट हाँ बेड साइड बॉटल्स के लिए तो बढ़िया है। खैर अभी ऑलमोस्ट 12 बज चुके हैं, 12:01, थोड़ी देर में मैं अपनी असाइनमेंट भी बनानी शुरू करूँगा, क्योंकि अभी मेरे को सारे टॉपिक्स पता लग चुके हैं असाइनमेंट। तो मेरा बैग है कहाँ पे? बैग कहाँ पे गया मेरा यार? कोई ना बैग को ढूंढ लेंगे। बैग ढूंढते हैं, असाइनमेंट बनाते हैं, फिर देखते हैं, थोड़ी देर सोएंगे, फिर तुम लोगों को आराम से नेक्स्ट फ्रेम में मिलेंगे। Start the day yet. I just wanna stay, even if we run late. ऐसा सिर्फ संडे को ही पॉसिबल है। इतने बढ़िया और हैवी ब्रेकफास्ट खाने के बावजूद दोबारा से भूख लगाई। भाई साहब वन असाइनमेंट डाउन, मोर टू गो, वोट ऑफ ड्यू डेट पे ही करेंगे। और हाँ जो मेरी एक असाइनमेंट है ना वो भी प्रॉपरली कंप्लीट नहीं हुई है, मैं असाइनमेंट का कवर लाना तो भूल ही गया। और लास्ट टाइम जब मैं ये शीट्स वगैरह लेने गया था असाइनमेंट की, तब मेरे याद था, बट उस दिन मैं लेके नहीं आया। मैं आज याद आया भी यार असाइनमेंट पे कवर भी तो लगता है, तभी जाके तो कंप्लीट मानी जाएगी। चलो कोई ना, शाम में चल के वो भी ले आएंगे। अभी तो खैर मैं यहाँ पे मसाला चाप खा रहा हूँ जो कल मम्मी ने बनाई थी। और एक बार लुक देखो यार तुम लोग, मेरे को तो बिल्कुल चिकन जैसी लुक दिख रही है। मतलब मैं चिकन खाता नहीं हूँ, नॉनवेज खाता नहीं हूँ, बट हाँ वैसे तो विजुअली तो देख ही रखा है भी हाँ कैसा सा दिखता है, वैसी सी लुक आ रही है। और साथ में आज मम्मी ने पकौड़ों के साथ पूरियाँ भी बनाई हैं। खैर फटाफट इसको ख़त्म करते हैं, फिर थोड़ी देर सोते हैं, फिर अभी 3 बज रहे हैं, पूरे नहीं, ऑलमोस्ट 2:45-2:50 हो रहे हैं, 5-1 बजे के करीब निकलेंगे अपा फाइल कवर लेने के लिए। वैसे तो प्लान अभी मेरा मार्केट जाके असाइनमेंट के लिए फोल्डर लेके आने का था, बट नहीं हो पाएगा भाई, मेरे में हिम्मत नहीं है। अभी 4 बज रहे हैं, मैं थोड़ी सी एनर्जी एकत्रित करी, क्योंकि मैं अभी यहाँ पे आराम से सो रहा था, एनर्जी एकत्रित करी और सोचा ब्लॉग को भी एंड कर दूँ। आई नो काफ़ी छोटा बना है, काफ़ी अजीब सा बना है, बट जैसा भी है अपना है। तो अब ऑलमोस्ट शाम के 4 बज चुके हैं, हमारे पास दिखाने कुछ नहीं बचा, आप लोगों के पास देखने कुछ नहीं बचा। इसी नोट पर करते हैं आज की वीडियो को एंड। होप करता हूं तुम लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कल फिर मिलेंगे एक नवी जर्नी, एक नवी एडवेंचर, एक नवी एक्सपीरियंस के साथ। टिल देन बाय बाय, पीस आउट, लव यू ऑल। और एक फन फैक्ट आज के ब्लॉग के बारे में, वो तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।